हेलो ब्यूटीफुल फेसेस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ये सेनफे रेजर का, आप देख सकते हो ये सेनफे का आईब्रो टचअप फेस रेजर का फुल रिव्यू एंड यूजेस कि ये कैसा वर्क करता है और कितना सक्सेस है, क्या हमें परचेस करना चाहिए और हमारे फेस के लिए क्या है बेनिफिशियल है। सो ये बेसिकली आता है आपके फेस के जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, अगर आपको दिखेंगे कुछ ये देख सकते हो आप, ये वाले सब जो यहाँ पे दिखेंगे आपको, ये सब जो फेस के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना, सो इनके लिए आता है। तो बेसिकली मैंने हाल ही में 2 दिन पहले मैंने आईब्रो थ्रेडिंग करवा लिया था, अपर लिप बनवा लिया था, तो उसके लिए तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और वैसे भी मैं आईब्रो में नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे भी इसका कोई भी नॉलेज ज़रा सा भी नहीं है कैसे करते हैं। सो मैं फर्स्ट टाइम आज ट्राई करूँगी। मैंने वन मतलब आईब्रो, अपर लिप्स, पीच फज, चेन हेयर और बिकनी लाइन के लिए है, तो ये इन सब के लिए आ जाता है। साथ ही में ये आपको मिल जाता है 3 यूनिट। सो चलिए इसको देखते हैं कि कैसा है। प्राइस इसके कुछ है 149, मुझे ये आया था 89 रुपीज़ का, मतलब 90 रुपीज़ का ये मुझे आया था। कुछ 3 रेजर आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, तो हम पहले ये पिंक वाला यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एक रेजर को आप 1 से 2 बार यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये मैंने ओपन कर लिया और आप इसको देख सकते हो। इसमें सबसे मुझे ये एक चीज़ अच्छी इसकी नहीं लगी कि मैंने इसे परचेज जो किया था, मुझे वो एक कट वाले हेयर ये आते हैं जिसमें कि हल्का हल्का यहाँ पे कट लगा होता है, तो आप उसे कटने की चांस फेस पे बहुत कम होती है। और ये क्या है, एकदम सिंपल सा, ये देखोगे आप तो देखोगे एक सिंपल सा ब्लेड है और मैंने इसका यूज़ कभी नहीं किया है। पता नहीं मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगी अगर मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेके इसको करूँगी। सो इसको यूज़ करने के लिए पहले हम अपने फेस पे कोई सा भी जेल लगा लेंगे, या तो ऑरेंज जेल लगा लो या फिर एलोवेरा जेल लगा लो। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऑरेंज जेल, मात्रा में हम लगाएंगे ताकि वो ये अच्छे से फिसले। और इसको हमें 90 डिग्री के रोटेशन पर इस तरीके से रोटेट करना है, बिल्कुल हल्का हल्का। ये देखो आप, तो मैं पहले इसको अच्छे से रिमूव करती हूँ और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन है और यहाँ पे मेरे हेयर्स हैं, यहाँ पे थोड़े से हेयर्स रिमूव हुए हैं। मैं आपको अच्छे से ये हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ। ये आपको ब्लैक्स दिख रहे हैं ना, वो सारे फेस के हेयर हैं। बेसिकली मैंने ये सारे हेयर्स थोड़े रिमूव किए और मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। बट अब विदाउट कोई जेल लगाया बिल्कुल भी ये काम मत करना और बहुत ही सावधानी से करना जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या है एकदम सिंपल सा, ये एक ब्लेड है, ज़रा सा लगेगा तो उसे कटने का चांस हो सकता है। और अभी मेरा एक साइड बचा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पहले मैं इसको इस साइड क्लीन करती हूँ फिर मैं आपको बोलती हूँ। तो बेसिकली मैंने ये दूसरे रिंग लाइट में मिरर फिट किया हुआ है। तो अभी क्या है, मेरे फेस को मैंने लगभग मेरा फेस क्लीन कर लिया है और इधर भी मैंने क्लीन किया है, लुक दिस साइड भी दोस्तों। इसके बाद मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फेशियल हेयर रिमूव किया है, आज से पहले मैंने कभी भी नहीं किया था और ना ही करने का सोचा था। और मैं मुझे खुद नहीं पता कि मेरे फेस से इतने सारे हेयर निकलेंगे, लुक कितना ज़्यादा। और आप सोच सकते हो कि ये हेयर्स की वजह से हमारी फेस कितनी ज़्यादा स्किन का जो एक टोन है वो थोड़ा सा बेटर होगा। स्किन पर क्या होगा, जब भी कोई
कुछ भी लगाओगे वो डायरेक्ट आपके स्किन में जाएगा, पर इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब भी ये प्रोसेस करो, जैसे कि मैं अभी जो कर रही हूँ, भी हो रहा है इवनिंग के 7 बजने वाले हैं शाम के, तो आपको हमेशा शाम में करना है, क्योंकि क्या है कि हमारे हेयर्स निकले, हमारे स्किन क्या है कि थोड़ी सी कहीं भी डेड स्किन भी निकली होगी। मैंने अपर यहाँ फोरहेड पे नहीं किया क्योंकि मैंने हाल ही में थ्रेडिंग कराई थी, तो मैंने फोरहेड पे भी थ्रेड करवाया हुआ था, तो मेरी यहाँ पे भी हेयर मेरे नहीं निकले, बट फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया। तो फुल आप मेरे फेस को देख सकते हो, फेसियल हेयर्स रिमूव करने के बाद आपकी फेस बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, बट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही आपको ज़्यादा बारीकी से काम करना है, क्योंकि आपको मिसर मैंने आपको बार बार दिखाया कि एकदम प्योर ब्लेड है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राज सुषमा। बाय बाय।